द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम आज देखेंगे इसका पार्ट, सारे के सारे पार्ट ब्रीफली देखेंगे। कौन सी पार्ट में क्या है, यह है पार्ट वन, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये पार्ट एक से लेकर आर्टिकल फोर तक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, आर्टिकल वन टू आर्टिकल फोर, ये सब है पार्ट वन में। फिर पार्ट टू में क्या है, सिटीजनशिप। पार्ट टू में है सिटीजनशिप, जो है आर्टिकल फाइव से लेकर आर्टिकल इलेवन तक, सिटीजनशिप आर्टिकल फाइव टू आर्टिकल इलेवन तक। फिर आता है इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज पार्ट थ्री, विच टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट थ्री में है। फिर आता है पार्ट आई भी, पार्ट फोर्थ, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में है, इसका वर्णन करता है पार्ट आई भी, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, पार्ट फोर्थ में जो बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो डीपीएसपी है, जिसको बॉरोड किया गया था आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर आता है पार्ट आईबीए, जो बाद में एडेड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज विच बॉरोड फ्रॉम यूएसएसआर, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से ये फंडामेंटल ड्यूटीज बॉरोड किया गया है 1976 मसीहा में। जो एक ही आर्टिकल है, जिस आर्टिकल होता है 51A, जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है, पार्ट आई भी ए। फिर आता है पार्ट बी, पार्ट बी में द यूनियन के बारे में वर्णन किया गया है, चैप्टर वन, पार्ट बी का चैप्टर वन है द एग्जीक्यूटिव। ये द एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक, पार्ट वन, पार्ट वन आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक, पार्ट वन, पार्ट वन, पार्ट बी का, पार्ट फिफ्थ पार्ट का चैप्टर वन, 52 से लेकर 78 तक, पार्ट फिफ्थ का चैप्टर वन। चैप्टर टू जो बात करता है पार्लियामेंट के बारे में, चैप्टर वन द यूनियन के बारे में, ये द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, चैप्टर वन टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, पार्ट बी में द यूनियन, यूनियन में चैप्टर वन में द एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये गया चैप्टर वन। चैप्टर टू पार्ट बी में पार्लियामेंट के बारे में वर्णन किया गया है, जो 79 से लेकर 122, चैप्टर टू ऑफ पार्ट फिफ्थ टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट, जो 79 आर्टिकल से लेकर 122 तक। चैप्टर थ्री लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, पार्ट फिफ्थ का चैप्टर थ्री है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। चैप्टर टू जो 79 से
पार्लियामेंट के बारे में बात करता है, चैप्टर वन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, फिर देखते हैं चैप्टर फोर्थ, चैप्टर फोर ऑफ पार्ट भी जो बात करता है द यूनियन जुडिशियरी के बारे में, यूनियन जुडिशियरी के बारे में चैप्टर फोर्थ ऑफ पार्ट भी टॉक्स अबाउट द यूनियन जुडिशियरी, जो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक, 124 से लेकर 127 तक, 127 तक चैप्टर फोर ऑफ पार्ट बी। फिर आता है फिफ्थ चैप्टर जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया केग के बारे में बात करता है, आर्टिकल 148 से लेकर 151। फिर आता है पार्ट सिक्स जो द स्टेट्स के बारे में बात करता है, पार्ट सिक्स टॉक्स अबाउट द स्टेट, पार्ट सिक्स, पार्ट फिफ्थ यूनियन, पार्ट सिक्स द स्टेट्स, चैप्टर वन जो डेफिनेशन है स्टेट्स का, चैप्टर टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट्स, चैप्टर वन डेफिनेशन, चैप्टर टू ऑफ द सिक्स पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट्स, 153 से लेकर 167 तक, 153 से लेकर 167 चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर वन टॉक्स अबाउट डेफिनेशन, चैप्टर टू टॉक्स अबाउट गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, चैप्टर थर्ड द स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करता है, जो कि 168 आर्टिकल से लेकर 212 एंड आर्टिकल 167 168 चैप्टर थ्री 168 से लेकर 168 से लेकर 168 से लेकर चैप्टर थ्री ऑफ पार्ट सिक्स विच टॉक्स अबाउट द फंक्शन द प्रोसीज्योर ऑफ यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव 212 तक। फिर आता है चैप्टर फोर्थ ऑफ पार्ट सिक्स, चैप्टर फोर ऑफ पार्ट सिक्स विच टॉक्स अबाउट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, चैप्टर फोर्थ ऑफ पार्ट सिक्स टॉक्स अबाउट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, जो आर्टिकल 213 में है, 213 में। फिर चैप्टर फिफ्थ द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट, द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट जो आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक, हाई कोर्ट्स के बारे में 214 से लेकर 231 तक। फिर आता है चैप्टर सिक्स विच टॉक्स अबाउट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विच कम्स अंडर आर्टिकल 233 टू 237। फिर पार्ट सेवेंथ जिसको डिलीट किया गया है, ओके, ये पार्ट सेवेंथ में क्या था, द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ये डिलीट किया जा चुका है, एक इसका कोई जिक्र नहीं है अभी कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आता है पार्ट एट, पार्ट फिफ्थ टॉक्स अबाउट द यूनियन, पार्ट सिक्स टॉक्स अबाउट द स्टेट्स, पार्ट
सेवेंथ ओमिटेड डिलीटेड पार्ट एट टॉक्स अबाउट द यूनियन टेरिटोरीज। पार्ट एट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द यूनियन टेरिटोरीज विच कम्स अंडर आर्टिकल 239 से लेकर 241, 238 से लेकर 241। पार्ट एट विच टॉक्स अबाउट द यूनियन टेरिटोरीज। फिर आता है जो आर आर किया गया था पार्ट आई एक्स द पंचायत्स, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था, विच टॉक्स अबाउट द पंचायत पार्ट आई एक्स पार्ट 9th, जो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ZG तक, ये है आर्टिकल 243 का सब कैटेगरी है 243 ZG तक, जो बात करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में। 243 द पंचायत पार्ट आई एक्स पंचायत पार्ट आई एक्स ए, जो द म्यूनिसिपालिटीज के बारे में बात करता है 243 P से लेकर 243 ZG तक, ये सब है म्यूनिसिपालिटी और पंचायत के बारे में। पंचायत पार्ट आई एक्स पार्ट 9, पंचायत पार्ट 9A टॉक्स अबाउट द म्यूनिसिपैलिटीज। फिर पार्ट आई एक्स बी जो बात करता है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पार्ट आई एक्स बी पार्ट 9B टॉक्स अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिर आता है पार्ट एक्स 10th पार्ट टॉक्स अबाउट द स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट आई एक्स टॉक्स अबाउट द स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज विच कंसिस्ट्स ऑफ टू आर्टिकल 244 एंड 244A। फिर आता है पार्ट 11 पार्ट एक्स आई विच टॉक्स अबाउट रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। इसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 दो चैप्टर है। चैप्टर 2 है 11th पार्ट का, जो बात करता है रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, लेजिस्लेटिव रिलेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स पार्ट 11th। फिर जो पार्ट 1 है लेजिस्लेटिव रिलेशन, चैप्टर 1 है लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बात करता है, जो चैप्टर 2 है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में बात करता है। फिर आता है पार्ट 12 जो फिनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में बात करता है। पार्ट 12th पार्ट एक्स डबल आई चैप्टर 1 जो फाइनेंस के बारे में वर्णन किया गया है। फिर चैप्टर 2 बोरोइंग, चैप्टर 3 प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स राइट्स लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स। ये चैप्टर 2 बोरोइंग, चैप्टर 3 प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स राइट्स लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स। फिर चैप्टर 4 जो राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, जो पहले फंडामेंटल राइट्स था राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटाकर आर्टिकल 300A में रखा गया है अंडर 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। फिर आता है पार्ट 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच टॉक्स अबाउट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 13 ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 14 XIV
विच टॉक्स अबाउट सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। ये जो पार्ट 13 है, जो आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक है, पार्ट 13। फिर पार्ट 14 जो आर्टिकल 308 से लेकर पार्ट 14 जो आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक विस्तृत है, जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन कम्स अंडर पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स चैप्टर 1 सर्विसेज, चैप्टर 2 पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर आता है पार्ट 14A, XIVA, पार्ट 14A जो ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है। पार्ट 14A टॉक्स अबाउट ट्रिब्यूनल्स। देर आर टू आर्टिकल्स इन दिस पार्ट, XIVA 323A एंड 323B। फिर आता है इलेक्शंस के बारे में, जो पार्ट 15 में वर्णना किया गया है। इलेक्शंस पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कम्स अंडर आर्टिकल 324 टू 329A, विच ऑब्वियसली डिलीटेड। पार्ट 15 इलेक्शंस के बारे में बात करता है। फिर पार्ट 16 टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। पार्ट 16 टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस विच कम्स अंडर आर्टिकल 332 342A। जो 338 है नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट, 338 नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब्स, फिर 338 भी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है पार्ट 17। पार्ट 16 टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। पार्ट 17 टॉक्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस। पार्ट 17 टॉक्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट 17 में चैप्टर 1 लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, पार्ट 17 का चैप्टर 2 में रीजनल लैंग्वेज, चैप्टर 3 में लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चैप्टर 4 में स्पेशल डायरेक्टिव्स, फिर पार्ट 18, पार्ट 17 टॉक्स अबाउट लैंग्वेजेस, पार्ट 18 टॉक्स अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस, पार्ट 18 टॉक्स अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस। ये आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक, पार्ट 18 टॉक्स अबाउट इमरजेंसी प्रोविजन व्हिच कम्स अंडर आर्टिकल 352 टू 360। फिर पार्ट 19 जो मिसलेनियस है, फिर पार्ट 20 टॉक्स अबाउट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 20 consists of one article, that is 368, power of parliament to amend the constitutional procedure, therefore comes under part 20 of the Indian constitution. Phir part 21 talks about temporary transitional and special provisions, ye article 369 se lekar 392 tak, 369 से लेकर 392 तक पार्ट 21 टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। पार्ट 22 व्हिच टॉक्स अबाउट
शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ये लास्ट 22 पार्ट नंबर 22 इज द लास्ट पार्ट विच टॉक्स अबाउट शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट. ओके दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच नाउ प्रेजेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Only part 7 is not now in constitution, which is deleted. फिर एक बार देख लेते हैं. आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट IVA फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 द एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव द यूनियन, पार्ट 6 द स्टेट्स, पार्ट 6 द स्टेट्स. पार्ट 7 ओमिटेड, पार्ट 8 द यूनियन टेरिटोरीज, पार्ट 9 द पंचायत्स, पार्ट IXA द म्युनिसिपैलिटीज, पार्ट IXB द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पार्ट X द स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, पार्ट 11 रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, पार्ट 13 ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकर्स विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, पार्ट 12 टॉक्स अबाउट फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, पार्ट 13 टॉक्स अबाउट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकर्स विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, पार्ट 14 टॉक्स अबाउट सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, पार्ट 14 UPSC रिलेटेड सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, पार्ट 14A टॉक्स अबाउट ट्रिब्यूनल्स, पार्ट 15 इलेक्शंस, पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, पार्ट 19 मिसलेनियस, पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 21 टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, पार्ट 22 सबटाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट्स इन हिंदी